अस्सलामु अलैकुम, मैं तौसीक हैदर ते इस प्रोग्राम विच मैं तुहाडे नाल गल करांगा घरां विच होण वाले हादसों के हवाले नाल। इह किस तरह होंदे ने, इन्हां तों किस तरह बचिया जा सकदा है ते इन्हां दा इलाज किस तरह मुमकिन है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद यानी फर्स्ट एड। हर मर्द, हर औरत ते हर बच्चे दा इहदे बारे जानना बेहद जरूरी है तां जे असीं अपने प्यारियां दी जान बचा सकीए। इस मौजू की अहमियत का अंदाजा तुसी इंज ला सकते हो कि हर साल 5000 मर्द, औरतां ते बच्चे घरां विच होण वाले हादसों की वजह तो लुकमय अजल बन जाते हैं। 5 लाख इन्ने जख्मी हो जाते हैं कि इन्हां नूं इलाज लई हस्पताल ले जाना पैंदा है। ते इस गल नाल तुसी यकीनन इतफाक करोगे कि असल आदाद शुमार शायद इस तों भी ज़्यादा ने। चाली फीसद जख्म घरां विच ही डिगण की वजह तो लगते हैं। घरां च मौजूद सीढ़ियां अमूमन डिगण की वजह बनदियां ने। इस गल का ख्याल रखना चाहिए कि सीढ़ियां चढ़दे ते उतरन वेले एक पासे दीवार ते दूजे पासे लोहे या लकड़ी की रेलिंग का सहारा जरूर लिया जाए। इस विच मौजूद ये रुकावटां साढ़े लिए सहारे का बायस बनदियां ने ते खसूसन बच्चियां ते वड्डी उम्र के अफराद नूं डिगण तो बचांदियां ने। एक होर चीज़ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि घरां च जदों सीढ़ियां बनवाईयां जाण ते ना सिर्फ एक पासे बल्कि दोनों पासे रेलिंग का इस्तेमाल किया जाए ता जे बच्चे ते वड्डी उम्र के अफराद आसानी नाल सीढ़ियां चढ़ ते उतर सकण ते डिग ना पैण। तूड़ मिट्टी नूं जज़ब कर लैण दे बायस साढ़े घरां च अमूमन कारपेट का इस्तेमाल ज़रा घट होंदा जा रहा है। पर जे तुहाडे घर भी सीढ़ियां उत्ते कारपेट मौजूद है ते उहनूं अच्छी हालत विच रखो कि किधरों फटिया या उखड़िया होया ना होवे। याद रखो कि सीढ़ियां या रेलिंग की डिजाइनिंग अपनी जरूरत ते अपनी हिफाजत नूं मद्देनजर रख के कराओ। इस वीडियो च असीं तुहानूं कुछ आम हादसों बारे दसांगे कि इन्हां तों किस तरह बचिया जा सकदा ते असीं सूरत हाल विच किस तरह इन्हां नाल निपटिया जा सकदा है। इन्हां मनाज़र नूं वेखो, घरां विच ऐसे हादसे अक्सर होंदे ने। ऐसी सूरत हाल विच असीं की कर सकते हैं? किसी चीज़ नाल जख्मी होना, जल जाना, हड्डी टुट जाना या अख जख्मी हो जाना वगैरह वगैरह जे हादसों की सूरत विच फर्स्ट एड लई मंजूरशुदा तरीका इख्तियार करन दी जरूरत होंदी है। आओ सब तो पहला वेखते हाँ कि जिंदगी लई खतरा बनने वाले हादसों की सूरत विच सानू की इकदाम फौरी तौर पर करने चाहिए ने। अगर तुहाडी फैमिली का कोई फर्द सीढ़ियों तो गिर जाए, वो जमीन पर पिया हो तो जख्मी भी हो, ऐसी सूरत हाल में पुरसकून रह के सूरत हाल का जायजा लवो। पहला हादसे का सबब बनने वाली चीज़ों को हटाओ ता जो कोई दूजा या आप खुद इस नाल टकरा के ना गिर जाओ। जे हादसे का शिकार शख्स होश चे तो सिर तो पैर तक जख्मी शख्स में जख्म तलाश करो। किसी जख्मी शख्स का मुआयना करने लिए डॉट्स का असूल याद रखो। डी तो होंदा है डिफॉर्मिटी यानी किसी उज़ विच ज़ाहरी हालत विच तब्दीली। ओ तो होंदा है ओपन वाउंड यानी ज़ाहरी जख्म। टी तो होंदा है टेंडरनेस दर्द या तकलीफ। एस तो होंदा है स्वेलिंग यानी सोजन। सब तो पहला सिर विच जख्म तलाश किया जाता है। वेखो किधरों खून तो नहीं वग रहा, सिर मूँह या गर्दन तो फिर वो पसलियां वेखो कितने कोई हड्डी अपनी जगह तू हट न गई होवे या टुट न गई होवे। इहदे बाद वारी वारी दोवें बाजू चेक करो। तो फिर इस तरह दोवें टंगा चेक करो कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं आया।
किसी भी सूरत मुतासरा शख्स नूं खाण पीण ते सिगरट नोशी की इजाजत ना दिओ। तो शुभा होवे कि मामला तुहाडे वसूं बाहर है तो आप खुद या किसी पड़ोसी के जरिए एमरजेंसी नंबर से हस्पताल या रेस्क्यू सर्विस नाल राबता करो। भाभी जहरी चोट तो नहीं है लेकिन फिर भी आप एहतियातन एम्बुलेंस सर्विस को कॉल करते हैं। मदद लई इस तरह फोन करो, पहले अपना नाम ते फोन नंबर दसो, इंतहाई मुख्तसर लफ्जां च हादसे दी तफसील दसो कि हादसा किस तरह होया ते मरीज दी हालत कैसी है। प्लीज मुझे एम्बुलेंस चाहिए। हादसे लई थां दा पता दसो। मेरा पता है मकान नंबर 9123, गली नंबर 523, सेक्टर G64। जे किसी भी हादसे दा शिकार शख्स बेहोश होवे ते इस तरीकाकार दे तहत DRABC ते अमल करो। डी डेंजर यानी खतरा, आर रिस्पांस यानी रद्द अमल, ए एयरवे यानी साह दा रस्ता, बी ब्रीदिंग यानी साह लैण दा अमल। जे मुतासरा शख्स की साह मौजूद ना होवे ते सीत होंदा है कॉल फॉर हेल्प यानी मदद तलब करना, ते कंप्रेशन यानी छाती उत्ते दबाव। अगर मुतासरा शख्स का साह चल रहा होवे ते सीत होंदा है सर्कुलेशन यानी खून की गर्दिश। डी तो होंदा है डेंजर यानी खतरा, हादसे की वजूहात हटा के खतरा खत्म करो। आर तो होंदा है रिस्पांस यानी रद्द अमल, रद्द अमल नूं चेक करने लिए हादसे का शिकार शख्स नूं आवाज दिओ, मोढ़ियां तों फड़ के हिलाओ। ए तो होंदा एयरवे यानी साह दा रस्ता, हवा दा रस्ता चेक करने लिए उंगलियां दी मदद नाल मुतासरा शख्स दी ठोडी नूं नीचे दबा के मुंह खोलो ते वेखो कि कोई शय ते मुंह विच नहीं है। जे नज़र आए तो मुमकिन होवे ते उहनूं मुंह विचों कढ दिओ। अपनी हिफाजत दे पेशे नज़र हत्थां विच ग्लव्स पाओ या उंगली उत्ते कोई साफ कपड़ा लपेट के मुंह विचों ओह चीज़ कढ दिओ। उसके बाद मुतासरा शख्स की ठोड़ी नूं उच्चा करो तो सिर पिछे वल खिंचो तां जे साह दा रस्ता खुल जाए। बीत होंदा है ब्रीदिंग यानी साह लैण दा अमल, हुण साह वेखण लई छाती दा मुआयना करो तां जे उतार चढ़ाव बाकायदा होवे। फिर अपना गाल मरीज दे मूंह ते नक दे नेड़े लै जाओ ते तकरीबन 10 सैकेंड तक उहदा साह सुणन ते महसूस करन दी कोशिश करो। जे मुतासरा शख्स दा साह चल रिहा होवे ते सीत होंदा है सर्कुलेशन यानी खून की गर्दिश। ते खून की गर्दिश चेक करने लिए 10 सैकेंड्स लिए गले उत्ते नरखरे दे सज्जे या खब्बे पासे दो उंगलियां रखो ते हल्का जिहा दबाव पा के नबज़ महसूस करो। अगर नबज़ ते साह दोवें मौजूद होण ते बेहोश शख्स नूं उसे तरह चेक करो जिस तरह इस तों पहले असां होश विच मौजूद मुतासरा शख्स विच जख्म या चोट तलाश करने लिए कीता सी। इहदे बाद मुतासरा शख्स नूं रिकवरी पोजिशन च लिटाओ। इहदे लई मुतासरा शख्स दे एक पासे गोड़िया पार बैठो, मरीज दे सिर नूं पिछे करो ते ठोड़ी नूं उच्चा करो तां जे साह दा रस्ता खुल जाए। उहदियां दोवें टंगां सिधियां करो ते अपने पासे वाला हथ इस तरह रखो कि कोहनी उत्ते 90 डिग्री दा ज़ाविया बण रिहा होवे, जबकि दूजा हाथ उसकी छाती के उपर तो ले आओ तो हथेली नूं बाहर वाले पासे रखदे होया उसके गाल दे नाल मिलाओ। मुखालफ टंग दे गोडे नूं इस तरह सीधा करो कि पैर जमीन ते टिकिया होवे। मुतासरा शख्स नूं अपने वाल करवट दवाओ, हाथ इस तरह रखो जे सिर नूं सहारा मिले। दूजी टंग इस तरह रखो जे गोडे उत्ते 90 डिग्री दा ज़ाविया बना रही होवे। इस तरह मुतासरा शख्स के मेदे च मौजूद माया या दूजिया चीज़ों का साह की नाली में फसण का इमकान घट हो जाता है। मुतासरा शख्स की नबज़ से साह को मुसलसल चेक करते रहो। हुण मुतासरा शख्स को रिकवरी पोजिशन ही रहन दिओ जब तक उन्हें तिब्बी इमदाद ना मिल जाए। जे मुतासरा शख्स की साह मौजूद ना हो तो सीह नाल होंदा है कॉल फॉर हेल्प, मदद तलब करना ते कंप्रेशन यानी छाती उत्ते दबा।
जे मुतासरा शख्स भी साह मौजूद ना हो तो उस सूरत विच फौरन मदद तलब करो तो मुतासरा शख्स नू CPR यानी दिल ते साह दी बहाली दा अमल शुरू करो। CPR की है? CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन दा मुखफ्फफ है, जिहदा मतलब है साह ना होने की सूरत विच मसनूई तरीके नाल दिल ते साह बहाल करन दा अमल। बेहोशी की हालत में साह मौजूद ना हो तो मुतासरा शख्स की छाती की हड्डी उत्ते दबाव पा के मसनूई तरीके नाल दिल ते साह दा अमल बहाल करन लई इह तरीका इख्तियार करो। बालिग अफराद की छाती के दरमियान हथेली रख के दूजे हाथ दियां उंगलियां पहले हाथ दियां उंगलियां फसा के यानी इंटरलाक करके बाजू सीधे रखदे होया दोवें हाथों नाल 30 वारी सीने नूं 1.5 to 2 inches तक गहरा दबाओ। फिर मरीज की ठोडी के हेठां दो उंगलियां नाल सहारा दे के उहदा मूंह उत्ते चुको। अपनी हिफाजत के पेशे नज़र हिफाजती मास्क या जरासीम पाक गाज या साफ बारीक कपड़ा या रुमाल वगैरह जिद चों हवा आसानी नाल गुजर सके उहदे मूँह ते रखो। नक् बंद करो ते मुतासरा शख्स के मूँह उत्ते मूँह रखदिया होया दो वारी मसनूई साह दिओ। फिर 30 वारी सीना दबाओ। तो दो वारी साह दिओ। ये अमल उस वेले तक जारी रखो जब तक मरीज का साह ते नबज बहाल ना हो जाए या कोई होर तरबियत याफ्ता बंदा तुहाडी मदद लई ना पहुँच जाए। याद रखो ये अमल फरिश्त ते कीता जाए ते बेहतर है। ये वे इख्तिताम बालग अफराद की बहाली की DRABC का, यानी खतरा दूर करना, रद्द अमल वेखना, साह का रस्ता खोलना, साह की बहाली लई मसनूई तनफस देना ते खून की गर्दिश की बहाली लई छाती दबाना। ते हुण कुछ गल करने आ बच्चियां दी। बच्चे खास तौर पर शीरखार बच्चे साड़ी आबादी का एक बहुत अहम हिस्सा ने। नाबालग बच्चों ते शीरखार बच्चों की छाती ते फेफड़े बहुत नाजुक होंदे ने। 4 साल तो घट उम्र के तकरीबन 6.5 lakh बच्चे हर साल घरां विच मुख्तलिफ तरह के हादसों का शिकार हो जाते हैं जिन्हां नूं फौरी तौर पर बहाली की जरूरत होंदी है। ये थोड़ा जिहा मुश्किल काम है लेकिन निहायत अहम ते जरूरी। इसलिए मैं चाहवांगा कि तुसी नाबालग बच्चों ते शीरखार बच्चों की बहाली की DRABC ते पूरी तवज्जो दिओ, जिहदे लई इन्हां गल्लां दा ख्याल रखना बहुत जरूरी है। सब तो पहला बच्चे दे इर्द गिर्द खतरा तलाश करो तो उन्हों हटा दियो। हुण ये वेखण लई कि बच्चा होश विच है कि नहीं उंगलियां नाल शीरखार बच्चे दे पैरां दे तले हल्के हल्के थपथपाओ ते आवाज़ां दिओ। जे बच्चा कोई रद्दे अमल जाहिर नहीं करता तो बच्चे नू एक मेज या किसी होर सख्त जगह उत्ते लिटा दिओ। उहदा मूँह खोल के वेखो कि कोई चीज़ उहदे मूँह विच ते नहीं। बच्चे दी ठोडी उच्ची करो तो सिर पिछे वल खिचो तां जे साह दा रस्ता खुल जाए। हुण साह वेखण लई छाती दा मुआयना करो कि उतार चढ़ा बाकायदा होवे। फिर अपना गाल उहदे मूँह ते नक दे नेड़े लै जाओ ते तकरीबन 10 सैकेंड तक उहदा साह सुणन ते महसूस करन दी कोशिश करो। जे साह नहीं चल रहा तो 5 वारी हल्की कुवत नाल साह 1-1 सैकंड तक दिओ। साह देंदिया होया बच्चे दा नक ते मूँह अपने मूँह विच लै लो। हुण छाती दे दरमियान 2 उंगलियां रख के 30 वारी दबाव पाओ। छाती नूं तकरीबन 2 सेंटीमीटर यानी 1.25 inches तक दबाओ, जिहदी रफ्तार तकरीबन 100 वारी फी मिनट होनी चाहीदी है। फिर 2 वारी साह दिओ ते 30 वारी 2 उंगलियां नाल छाती दबाओ। ये अमल भी साह ते नबज़ दी बहाली तक जारी रखो। हुण खून की गर्दिश नबज़ दे जरिए चैक करो ते ये उहदी बांह दे उपरले हिस्से उत्ते 2 उंगलियां रख के महसूस की जा सकती है। नेड़े कोई होर मौजूद होवे ते उहनूं कहो कि एंबूलेंस लई फोन करे। जे कोई मौजूद ना होवे ते फोन करन लई जांदे होए बच्चे नूं नाल लै जाओ। याद रखो जे बच्चे दा साह ते नबज़ नॉर्मल होना शुरू हो भी जाए तां वी एंबूलेंस जरूर बुलवाओ। सब तो पहला बच्चे दे इर्द गिर्द खतरा तलाश करो ते उहनूं हटा दिओ। हुण ये वेखण लई कि बच्चा होश विच है या नहीं
बच्चे दे मोंडियां नूं होले होले हिलाओ ते बच्चे नाल गल करन दी कोशिश करो। अगर कोई रद्दे अमल दायर नहीं करदा ते बच्चे दी ठोड़ी उच्ची करो ते सिर पिछे वल खिंचो तां जे साह दा रस्ता खुल जाए। हुण साफ वेखण लई छाती दा मुआयना करो कि उतार चढ़ाव बाकायदा होवे। फिर अपना गाल उहदे मूंह ते नक दे नज़दीक लै जाओ ते तकरीबन 10 सैकंड्स तक उहदा साह सुणन ते महसूस करन दी कोशिश करो। अगर साह मौजूद ना होवे ते हिफाजती मास्क या जरासीम तो पाक गाज़ या साफ बारीक कपड़ा यानी रुमाल वगैरह जिहदे चों हवा आसानी नाल गुजर सके उहदे मूँह ते रखो। नक बंद करो ते बच्चे दे मूँह ते मूँह रखदे होया मुनासिब कुवत नाल 5 वारी मसनूई साह तकरीबन 1-1 सैकंड तक दिओ। फिर छाती दे दरमियान एक हाथ नाल 30 दफा तकरीबन 1-1.5 इंच तक छाती दबाओ जिहदी रफ्तार तकरीबन 100 वारी फी मिनट होवे। अगर बच्चा वड्डा होवे या तुसी उहदे तों छोटे होवो तो एक हाथ की बजाय दोवां हत्थां नाल भी छाती दबाई जा सकती है। हुण 2 वारी साह दिओ ते 30 वारी छाती दबाओ। दो वारी साह ते 30 वारी छाती दबाण दा यह अमल उस वक्त तक जारी रखो जब तक बच्चे दा साह ते नबज़ बहाल ना हो जाए या कोई होर तरबियत याफ्ता बंदा तुहाडी मदद लई पहुँच जाए। याद रखो बच्चे ते बालग अफराद दे CPR च इत्थे दसे गए तरीके च सिर्फ इब्तदाई 5 मसनूई साह दा ही फर्क है। हुण मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं जिंदगी च कदी इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पिया ते तुसी ऐसी सूरत हाल नाल निमटण लई बिल्कुल तैयार हो। लेकिन खून बहना कट जाना या सड़ जाना जरा मुख्तलिफ सूरत हाल है। तुहाडे विचों यकीनी तौर पर कुछ लोगों नूं वास्ता पिया होएगा जिंदगी च घर च कदी एक बारी या दो बारी किसी चीज़ नाल टकरा जाण नाल किसी चीज़ उत्ते डिग पैण नाल या कोई चीज़ तुहाडे उत्ते डिग पैण नाल तुहाडा हथ कट गया होवे या जिसम दा कोई होर हिस्सा कट गया होवे ते खून वगण लगा होवे। सब तो ज़्यादा जरूरी चीज़ जिहड़ी तुसी ज़हन च रखनी है वह ये कि छुरियां कैंची तेज़ तार वाले आलात ये सब बिल्कुल खुली जगह पर नहीं होने चाहिए बल्कि हिफाजत नाल किसी अलमारी या किसी दराज च होण। इहदे इलावा सूइयां भी बच्चों की पहुँच तो दूर रखनिया चाहिए ने। ये इन्हों जो सिलाई वाला बक्स होंगे वो रखो। पेचकस वगैरह यहोजी चीज़ा जिन्हों नुकसान पहुँच सके वह भी अपने अलग दराज रखो। हूँ जरा असी गल करा ऐसा चीज़ों की जड़िया शीशे दियाँ होंगे ने डिग के टुट जाण तो नुकसान पहुँचा सकदिया ने। सब तो पहली गल ये कि यहोजी चीज़ा अलमारी रखना चाहिए किसी खुली जगह उत्ते ना होण जे डिग के टुट ना जाण। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इहो जिहा कुछ वाकया हो जाए तो पूरी एहतियात नाल उस जगह नूं साफ करना चाहिए तां जे तुहानूं कोई नुकसान ना पहुँचे तो खानदान दे किसी दूजे फर्द नूं नुकसान ना पहुँचे तो खास तौर पर कोई बच्चा जख्मी ना होवे। मुहतात रहो महफूज रहो तो हर उस चीज़ तों एहतियात करो जिहदे नाल तुहानूं या घर दे किसी दूजे फर्द नूं नुकसान पहुँच सकदा है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता घर च कोई हादसा रोनुमा हो जाए ते इन दसे गए असूलों उत्ते अमल करो। हाथ या उंगली कट्टण नाल अगर खून वगण लगे तो थोड़ी जी परेशानी जरूर होंदी है। जे जख्म छोटा होवे तो जख्म नूं साफ पानी ते साबुन नाल धोवो। मामूली खराश है तो खुश्क होने लई छोड़ दिओ। सैनीप्लास्ट वगैरह लगा दिओ। ख्याल रखो कि खून बंद हो गया है। अमूमन अचानक किसी होर नूं लगण लग गया जख्म जिहदे चों खून वग रहा होवे जरा मुख्तलिफ ते खौफजदा करन वाला होंदा है। जख्म दा मुआयना करो कि जख्म विच कोई चीज़ फसी हुई तो नहीं है। अगर जख्म गहरा है तो फौरन एमरजेंसी नंबर पर फोन करना जरूरी है। जख्मी हिस्से नूं दिल दी सतह तो उच्चा करो तां जो खून का बहाव ज्यादा ना होवे। जे जख्म विच कोई चीज़ फसी हुई ना होवे तां मुतासरा शख्स नूं कहो कि अगर मुमकिन होवे तो वह जख्म नूं अपने हाथ नाल दबा के रखे। इन्फेक्शन तो बचण लई अगर जरासीम तो पाक दस्ताने मौजूद होण तो हत्थां उत्ते पहन लो। इहदे बाद घर विच एमरजेंसी च रखी जरासीम तो पाक गाज ते पट्टी कढ के मुतासरा जगह नूं मजबूती नाल बन्न दिओ तां जो खून वगणा बंद हो जाए। जे जख्म विच कोई चीज़ फसी हुई होवे तो पहले जख्म के इर्द गिर्द पट्टी रखो ता जे इस फसी हुई चीज़ से दबा न पवे। इहदे बाद जख्म ते पट्टी बन्नो जे खून ना रुके तो खून रिसण नाल पट्टी गिली हो जाए तो पट्टी उतारन की बजाय इस पट्टी उत्ते ही एक होर गाज रख के एक होर पट्टी बन दिओ।
पट्टी करने के बाद भी जख्म बिल्कुल सीधा उपर वाल उठा के रखो ताजे खून वगना बंद हो जाए। जख्मी हस्पताल ले जाओ तो हनोज का टीका जरूर लुआओ। किसी हादसे की सूरत विच कदे जाहिरे खून वगड़ तो इलावा अंदरूनी जख्म भी हो जाता है जिहदे चों अंदरूनी खून वगड़ना शुरू हो जाता है जिहड़ा खतरनाक हो सकता है। यह अंदरूनी चोट सिर छाती पेट रीढ़ की हड्डी या जिसम विच किधरे भी हो सकती है। किसी भी हादसे की सूरत विच सब तो पहले हादसे की वजूहत हटा के खतरा खत्म करो या जख्मी नूं खतरे की जगह तो दूर हटाओ। हुण मुतासरा शख्स नूं उस तरह चैक करो जिवें इस तों पहले असां होश विच मौजूद शख्स विच जख्म तलाश करन लई कीता सी। वेखो किधरे मुतासरा शख्स दे जिसम विच ज़ाहिरी तौर ते खून ते नहीं वग रिहा। हो सकदा है कि सिर्फ मुतासरा शख्स दे जिसम दे किसी हिस्से ते सोजन हो गई होवे ते उहनूं दर्द महसूस हो रिहा होवे ते उह अंदरूनी तौर ते खून वगण नाल तकलीफ विच होवे। जख्मी नूं तसल्ली दिओ ते उहनूं कहो कि हरकत ना करे। मुतासरा शख्स दी टंगा थोड़ियां उपर चुक के गोड़े के थले कोई कंबल या कोई दूजी चीज रखो ताजे सिर गर्दन ते रीढ़ की हड्डी एक से दिच हो जान। उहदे जिस्म नूं किसी गर्म कपड़े नाल टाप दिओ। अगर मुतासरा शख्स बेहोश होवे तो उन्हें बहाली की हालत विच लिटाओ। कार विच हड्डी टुटण की वजह सीढ़ी तो डिगना टकरा के डिगना फटे या मुड़े हुए कालीन होंदियां ने। टुटी हुई हड्डी बगैर नज़र नहीं आती। इस जगह सिर्फ सोजन हो जाती है या खून नज़र आता है। जे हड्डी टुट जाने का शक हो तो उन्होंने सीधा करने की कोशिश ना करो। जख्मी कहो कि वह हरकत ना करे ता जो उन्होंने हड्डी टुटने के सबब होर तकलीफ ना हो। अगर हाथ या बाजू में फ्रैक्चर आया हो तो ये थले कोई तौलिया या कपड़ा रख के सहारा दियो। इहदे बाद कपाच कोई लकड़ी की फट्टी लपेटी हुई अखबार या रसाले नाल सहारा दे के टुटी हुई हड्डी नूं बेहरकत कर दिओ। अगर कोई चीज ना मिले तो मुतासरा हाथ नूं जिस्म दे नाल बंध दिओ तो जख्मी नूं सहारा दे के अस्पताल लै जाओ। ये तो आपने देखा है कि अगर हाथ में फ्रैक्चर हो तो क्या किया जाए, लेकिन अगर चोट टांग पे हो और ये शुभ हो कि फ्रैक्चर हो गया है तो फिर मुतासरा शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने का तरीका कुछ इस तरह है। सीढ़ी तो डिग पैना या किसी होर वजह तो अगर टंग की हड्डी टुट जाए तो पुरसकून हो के सूरत हाल का जायजा लवो तो मुतासरा शख्स उत्ते डिगण वाली चीज़ एहतियात न हटा दियो।
पहले दसे गए तरीके के मुताबिक कपाच नाल टूटी हुई हड्डी नूं बेहरकत कर दिओ। अगर कोई चीज़ ना मिले तो मुतासरा हिस्से नूं जिसम दे नाल या दूजे हिस्से नाल बन्ह दिओ। इहदे लई चार पट्टियां नाल दोवें टंगां बन्ह दिओ। पट्टी इस तरह रखो कि एक पट्टी टूटी हुई हड्डी तो उपर तो दूजी पट्टी टूटी हुई हड्डी दे थल्ले होवे। तीजी पट्टी पिंडलियां दे थल्ले ते चौथी पट्टी टखनियां दे थल्ले होवे। हुण दोवां टंगां दे दरमियान चादर या कंबल लपेट के रखो। सेहतमंद टंग नूं उठा के मुतासरा टंग नाल मिलाओ। हुण पहले गिटियां वाली पट्टी पैरां दे उत्तों क्रास बणांदिआं होइआं अठ दे हिंसे दी शक्ल विच बन्न दिओ। इहदे नाल पैर ते टखने बेहरकत हो जाणगे। इहदे बाद टुट्टी हुई हड्डी तों उपर वाली पट्टी बन्नो। ते फिर पिंडियां दे थल्ले रखी गई पट्टी बन्न दिओ। आखिर विच टुट्टी हुई हड्डी तों थल्ले वाली पट्टी बन्नो। मुतासरा शख्स नूं स्ट्रैचर ते पा के हस्पताल पहुंचा दिओ। जे हड्डी टुटण नाल मुतासरा शख्स ते होश हो जाए ते साह ना लै रहा होवे तां उहदी जिंदगी नूं खतरा भी हो सकदा है। इस सूरत विच जख्मी नूं मुंतकिल करन तों पहलां बहाली दे असूल यानी ABC ते अमल करो। सड़ना ते चुलस जाना भी कार विच होण वाले हादसों विचों इक है। इहदे विच बहुत तकलीफ हुंदी है ते बाद औकात गल मुस्तकिल माजूरी तक जा पहुँचती है। ये वाकियात अक्सर बिजली दे गैस अपलायंसिस दे गैर महफूज तरीके नाल रखण या गलत इस्तेमाल नाल हुंदे ने। असी इस तरह के हादसात तों थोड़ी जी एहतियात नाल बच सकने आ। सड़ जाण दा सबब अमूमन उबलदे होए मायात खसूसन पानी हुंदा है। अगर तुसी पानी उबाल रहे हो तो इस गल दा खास ख्याल रखो कि बर्तन दा हैंडल इस तरह बार वल ना होवे तां जे तुहाडा हथ लगण या किसी दूजे दा हथ लगण नाल पानी गिर ना जाए। खसूसन कोई बच्चा इन्हों खिंचण की कोशिश ना करे। पानी दे बर्तन दा हैंडल इस तरह होना चाहिए है। इहदे अलावा एक होर चीज़ का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है कि बर्तन दा हैंडल अग दे शोले तो दूर होवे तां जे वह भी गर्म ना होवे वह भी ना सड़े ते किधरे बेध्यानी तुहाडा हथ लग जाए ते तुहाडा हथ भी ना जल जाए। बिजली की केतली या बिजली की कोई भी दूजी चीज़ ऑन करन तो पहला इनू चैक कर लो कि इहदी तार किसी जगह तो टूटी हुई या नंगी तो नहीं। हिफाजत लई असी तुहानू दसदे हां कि जल जाण या चुलस जाण की सूरत विच तुहानू की करना है। हाथ उत्ते खोलदा पानी गिर जाए तो फौरी तौर पर जली हुई जगह उत्ते ठंडा साफ पानी पाओ तो कम अज़ कम 10 मिनट तक उन्हें पानी के थले रखो। इस तरह जिल्द नूं घट नुकसान पहुँचेगा तो जलन भी घट जाएगी। अगर हादसा शदीद नोयत दा होवे तो एंबूलेंस तलब करो या अस्पताल चले जाओ। इस तों पहलां कि जलिया हुआ हिस्सा सुज जाए
उंगलियों विचों अंगूठियां ते कलाई दी कड़ी जेवरात ते बेल्ट वगैरह उतार दियो। जब तकलीफ जरा कट जाए तो मुतासरा जगह नूं साफ ते नरम कपड़े नाल ढक दियो ते हल्की पट्टी करो। इस सिलसिले च प्लास्टिक दा साफ थैला कारामद हो सकता है। इन्फेक्शन तो बचने लई छाले ना फोड़ो। मुतासरा जगह उत्ते कोई चिपकण वाली पट्टी, रूई या रेशे वाली कोई चीज़ ना रखो। क्रीम या किसी किस्म की मरहम ना लगाओ ते जले हुए हिस्से उत्ते चिपकी हुई चीज़ ना खिंचो ते बाजू नूं गले वाल उपर करके रखो। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਜਲਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲੀਚ ਜਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਗਿਰਨਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਇਲਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੂਟੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੱਗ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਕ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਰੋ। इस गल नूं यकीनी बनाओ कि मुतासरा जगह तो कपड़ा हटा लिया जाए तां जे जली हुई जगह उत्ते ना लगे। अगर कैमिकल गिरन नाल अख मुतासर होवे तो फौरन उंगलियों नाल अख नूं खोल के कम अज कम 10 मिनट तक पानी की टूटी या शावर थले रखो या किसी भी दूजी चीज़ नाल साफ ते ठंडा पानी पाओ। उहदे बाद साफ पट्टी नाल मुतासर अख ढक दिओ ते डॉक्टर नूं विखाओ। जे किसी शख्स के कपड़े अग फड़ लैन तो अग बुझाने लिए कंबल या कपड़े का इस्तेमाल करो क्यों जो यह जरूरी है कि अग के शोलियां जिन्नी जल्दी हो सके खत्म किया जाए। मरीज को जमीन पर लिटा के वो उत्ते कंबल या कोट पा दियो ता जे हवा च मौजूद ऑक्सीजन अग न मजीद ना पड़काए। वो बाद चुलसन का इलाज इस तरह करो जिस तरह कि पहले दसिया गया है। जिस तरह कि तुम जानते हो कि परहेज इलाज तो बेहतर है तो इस गल यकीनी बनाओ कि घर में गैस या बिजली के हीटर अगे हिफाजती जाली जरूर लगी हो। बच्चों को सिगरट लाइटर या माचिस वगैरह दूर रखो। माचिस दी तीलियां इधर उधर ना विखरिया होन ताकि बच्चे इन्हों आज़ादी नाल इस्तेमाल ना कर सकन ते अपने आप नू या किसी दूजे नू नुकसान ना पहुँचा सकन। अगर तुसी सिगरट पींदे हो तो कोशिश करो कि घर सिगरट नोशी ना करो तो इस गल नू यकीनी बनाओ कि सिगरट पीण दे बाद उहदा आखिरी सिरा अच्छी तरह बुझा दिता गया है। एक होर एहतियात करो, अपने घर में स्मोक अलार्म लगवाओ। यह ज़्यादा महंगा नहीं है तो इन नसब करना भी आसान है। ये अग या सह बंद कर देने वाले जहरीले धुएं महसूस करता है तो वजन लगता है। इसकी वजह तो तुसी किसी वड्डे हादसे तो महफूज रह सकते हो। चीज़ खाद्या होया अगर सह की नाली फस जाए तो इस तू भी सह कटना शुरू हो जाता है जिहड़ा जिंदगी लिए खतरा भी बन सकता है। इहदा फौरी इलाज जरूरी है। हुण पुछो कि आया वो गले कुछ फस गया है। अगर गल ना कर सके तो पहले मुतासरा शख्स को अगे वाल इन्ना झुकाओ कि उहदा सिर छाती तो थले हो। फिर उहदी कमर के उपरी हिस्से उत्ते मूहड़ियां के दोवें ब्लेडां के दरमियान 5 बारी जोर जोर थप्पड़ मारो ताकि गले फसी हुई चीज़ हलक तो निकल जाए।
वेखते रहो कि फसी हुई चीज़ निकली है या नहीं। अगर फसी हुई चीज़ ना निकले तो पेट उत्ते पांच बारी दबाव पाओ। ये मुतासर शख्स के पिछे खलो के एक हाथ की मुठ्ठी बना के वो नाफ के मेदे के दरम्यान रखो तो दूजे हाथ में मुठ्ठी फड़ के पांच बारी तेजी अंदर से उपर वल दबाओ। इस तरह करन नाल इहदे गले वल दबाव पेगा तो गले में फसी हुई चीज मूँह के रस्ते वापस निकल जाएगी। अगर पांच बारी पुश्त उत्ते थप्पड़ ते पांच बारी पेट दबाने का अमल तीन बारी करन दे बाद फसी हुई चीज़ नहीं निकलती तो पास खलोते किसी शख्स के जरिए या खुद एमरजेंसी नंबर से मदद तलब करो। तो दसया गया अमल उस वक्त तक जारी रखो जब तक फसी हुई चीज़ निकल ना जाए या मरीज बेहोश हो जाए। इस तरह की सूरत अगर बच्चे नाल पेश आए तो बच्चे नूं अपनी गोद में एक हाथ उत्ते इस तरह लटाओ कि उसका सिर जिसम तो थले होवे। दोवें मोढ़ियां के दरम्यान पुश्त उत्ते मुनासिब कुवत नाल पांच बारी थप्पड़ लगाओ। जे रुकावट दूर ना होवे तो छोटे बच्चे की छाती उत्ते दो उंगलियों नाल पांच बारी दबाव पाओ। अगर बच्चा दो साल तो वड्डा है तो उसकी छाती उत्ते दोनों हत्थां नाल मुनासिब दबाव पाओ। याद रखो छोटे बच्चे के पेट उत्ते कदे भी दबाव ना पाओ। अगर तुसी किसी समुंदर दरिया या किसी होर जगह डुबदा वेखो तो सब तो पहले ये वेखो कि तुसी उन्हें बचा सकते हो। खतरे का सही इदराक करो कि जे ना होवे कि तुसी खुद भी ऐसी सूरत हाल पै जाओ जिहदे च कि डुबदा होया शख्स है। जो डुबण वाले शख्स को पानी तो बाहर कढ़ लिया जाए तो उन्हें इस तरह जमीन पर लटाओ कि उसका सिर बाकी जिस्म तो थले होवे। हुण वेखो कि वह होश च है। इहदे लई रद्दे अमल चैक करो। अगर रद्दे अमल जाहिर ना होवे तो फिर अपना गाल उसके मुँह ते नक के नज़दीक लै जाओ तो तकरीबन 10 सैकेंड तक उसका साह सुनन ते महसूस करन की कोशिश करो। अगर साह मौजूद ना होवे तो फिर CPR यानी दिल ते साह बहाल करन दा अमल शुरू करो। हिफाजती मास्क या जरासीम तो पाक गाज या साफ बरीक कपड़ा यानी रुमाल वगैरह जिसे जो हवा आसानी से गुजर सके उसके मुँह पर रखो। नक बंद करो तो उसके मुँह पर मुँह रखद हो पांच बारी मसनू साह दियो। बालग अफराद की छाती के दरमियान हथेली रख के दूजे हाथ दियां उंगलियां पहले हाथ दियां उंगलियां फसा के यानी इंटरलाक करके बाजू सीधे रखदे होया दोवां हाथां नाल 30 वारी छाती नूं 1.5 to 2 inches तक गहरा दबाओ। दो वारी मसनूई साह दियो। फिर 30 वारी सीना दबाओ। यह अमल उस वेले तक जारी रखो जब तक मरीज का साह ते नबज़ बहाल ना हो जाए या कोई होर तरबियत याफ्ता शख्स तुहाड़ी मदद लई ना पहुँच जाए। याद रखो करीब मौजूद शख्स के जरिए या खुद एमरजेंसी नंबर ते मदद तलब करो ते मुतसरा शख्स का साह बहाल होने की सूरत विच भी उन्हें जल्द अज जल्द हस्पताल पहुँचाओ। अगर डुबण वाला शख्स होश विच होवे तो उन्हें इस तरह जमीन पर लटाओ कि उसका सिर बाकी जिसम तो थले होवे। उसके मुँह विच पानी निकल जाण दिओ। उन्हें खुश्क ते गर्म कपड़े पहनाओ। उसका जिसम किसी गर्म कपड़े नाल ढक दिओ। उन्हें कोई गर्म मशरूब पीण लई दिओ ते हस्पताल पहुँचाओ। जे मुतासरा शख्स एक बच्चा होवे ते बेहोश होवे तो उन्हें पानी विचों कढ़ के इस तरह जमीन पर लटाओ कि उसका सिर बाकी जिसम तो थले होवे। बच्चे का साह ते नबज़ बहाल करने लई बच्चे की बहाली की ABC दे तरीकाकार ते अमल करो। पिछले 50 सालां च घरेलू सहूलतां ते बरकी आलात ने असां सारे की जिंदगी काबिल जिक्र हद तक आसान बना दी है।
ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਲਕਿ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫਰਿੱਜ ਨੇ ਡੀਪ ਫਰੀਜ਼ਰ ਨੇ ਜੂਸਰ ਬਲੈਂਡਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਟੋਸਟਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਗਰਜ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਕਟ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਬੇਇਤਿਆਤੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਰੰਟ ਕਿਧਰੇ ਮੌਜੂਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਤਾਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁਤਾਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਪਹਿਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪਲੱਗ ਕੱਢ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਖਤਰਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੇ ਹੰਗਾਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਾਰਚ ਮੇਨ ਫਿਊਜ਼ ਬਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਤਾਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹਟਾ ਦਿਓ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਨ ਕੰਡਕਟਰ ਯਾਨੀ ਗੈਰ ਮੌਸਲ ਚੀਜ਼ ਮਸਲਨ ਖੁਸ਼ਕ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਤਖਤੀ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ਕ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਮੁਤਾਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟਾਓ ਜੇ ਮੁਤਾਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਹ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ABC ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤਲਬ ਕਰੋ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਗਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਤਾਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਰੱਖੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਠਾਓ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਗੋਡਿਆਂ ਵੱਲ ਚੁਕਾਓ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਵੱਲ ਖੂਨ ਦੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਵੱਧ ਜਾਏ ਅਗਰ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਲਿਟਾ ਦਿਓ ਅਗਰ ਮੁਤਾਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਦਿਮਾਗ ਵੱਲ ਵਧੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰੋ ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਪੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਲਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਅਗਰ ਮੁਤਾਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ABC ਦਾ ਅਮਲ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਹਰਾਓ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਫੌਰਨ ਤਲਬ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ
अगर इस दौरान मरीज नूं सही तरीके नाल अस्पताल पहुंचा दिता जाए तो इसदे बचण दी उम्मीद ज्यादा हुंदी है। हार्ट अटैक दी वड्डी वजह दिल दीआं शरियानां विच खून दी बंदिश या रुकावट हुंदी, जिहदी वजह तों आक्सीजन दी मुनासिब मकदार नहीं मिलदी। हार्ट अटैक दी सूरत विच मुतासरा शख्स दे सीने च शदीद दर्द ते बोझ महसूस हुंदा है। जिल्द दी रंगत जर्द या नीली हो जाती है। घबराहट, मतली ते पसीना बहना शुरू हो जाता है। उखड़ा खुड़ा साह ते नब्ज़ दी रफ्तार बहुत घट हो जाती है। हार्ट अटैक दी सूरत विच मुतासरा शख्स नूं डबल्यू पोजिशन विच लिटाओ तां जे दिल उत्ते कम दा बोझ घट तों घट पवे। फौरी तौर पर अद्धी गोली एस्प्रीन उन्हें चबाण लई दिओ। एक आदमी मरीज दे नाल रहे किधरे उहदा दिल अचानक रुक न जाए। मसनूई तनफस ते दिल उत्ते बैरूनी दबाव लई तैयार रहो। उहनूं फौरन अस्पताल पहुँचाओ। मुतासरा शख्स नूं दिखाए गए तरीके दे मुताबक कुर्सी ते बिठा के अस्पताल मुंतकिल करो तां जो उहदा जिसम डबल्यू पोजिशन विच ही रहे। किसी चीज़ नाल कट जाण या शाक लगन नाल जिसम ते जख्म आ जाए तो खून वगन लग पवे तो मुतासरा शख्स नूं शदीद सदमा या शाक पहुँच सकता है। उन्हें तसली देंदे रहो कि सब ठीक हो जाएगा। उहदा जख्मी हिस्सा उच्चा करो तां जो खून का बहाव कट होने की वजह तो खून वगना बंद हो जाए। इहदे बाद खुश्क ड्रेसिंग करो तो जख्मी हिस्से नूं गैर जरूरी हरकत ना दिओ। जे मुमकिन होवे तो सिर वल खून की गर्दिश ज़्यादा करन लई टंगा नूं थोड़ा उच्चा करो। इस मकसद लई टंगा दे थले कुशन या कोई दूजी चीज़ दे के टंगा नूं सहारा दिओ। इहदे बाद मुतासरा बंदे उत्ते गर्म कंबल या चादर पा दिओ तां जे मुतासरा शख्स नूं आराम मिले। उहनूं खाण पीण या सिगरट नोशी की हरगिज़ इजाज़त ना दिओ। याद रखो कि उहनूं मुस्तकिल तसली देंदे रहो। जूं ही तुसीं लफ़्ज़ ज़हर सुणदे हो तो फौरी तौर पर तुहाडे ज़हन विच एक फन फैलाए खौफनाक जे सप दा ख्याल आ जांदा है। जबकि हकीकत यह है कि घर इस तरह बहुत सारिया चीज़ा होंदिया ने जिड़ियाँ कि जहरीली होंदिया ने, जैसे ड्रेन खोलने वाले मायात, सफाई के बहुत सारे ताकतवर महलूल, मुख्तलिफ तरह के तेल तो जरासीम कुछ दवाइया वगैरह जिन्होंने पी लैण नाल बहुत ही मोहलक नतीजे सामने आ सकते हैं। इन चीज़ों महफूज जगह पर रखना चाहिए तो यह भी ज़हन च रखना चाहिए कि अजकल के बच्चे बहुत शरारती ने। वो चीज़ा जिड़ियाँ उन्होंने पहुँच तो बहर हो किसी महफूज जगह पर होन उन्हां तक पहुँचना उन्हां लई एक चैलेंज बन जाता है जड़ा कि बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। यह सिर्फ बच्चों नाल नहीं होंदा कि वह गैर इरादी तौर पर कोई जहरीली चीज़ खा लेते हैं, बल्कि अक्सर दूजे लोग भी बीमारी विच कन्फ्यूज़ होकर कोई जहरीली गलत या ज़्यादा मकदार भी दवाई खा लेंगे ने। जहर खुराने के किसी भी शक की सूरत विच खतरे की अलामात वेखो। एक दवाई की बोतल का खुला हुआ ढक्कन, बेहोश मुतासरा शख्स, मुतासरा शख्स का पूरे होश आवाज़ ना होना, सुस्त उल्टियाँ होना, पसीने आना। जहर खुराने के किसी भी शक की सूरत विच इलाज का पहला मरहला है कि मुतासरा शख्स को पूछो कि उन्हें की खाया। याद रखो कि वह किसी वेले भी बेहोश हो सकता है। अगर वो होंठ ते मुँह जल रहे होण ते अगर कुछ होश विच होवे ते उन्हें ठंडा पानी या दुध थोड़ा थोड़ा करके पिलाओ। वैसे आम असूल यह है कि कुछ पीण लई ना दिता जाए। मुतासरा शख्स नूं बहाली की हालत लिटाओ
जे बेहोश है तो बहाली की ए बी सी का तरीका अपनाओ। ये बाद जल्दी तो जल्दी मरीज को अस्पताल पहुँचाओ। मुतासरा शख्स को उल्टी कराने की कोशिश हरगिज न करो। जे मुमकिन हो मुतासरा शख्स के अंदर तो आने वाले मवाद या खाई गई दवाई या मैलूल का नमूना भी मरीज़ के नाल अस्पताल भिजवा दियो ता जे डॉक्टर यकीन कर लैन कि मरीज ने की इस्तेमाल किया है। अक्सर चलते चलते पैर मुड़ जाने नाल अचानक शदीद दर्द महसूस होंदा है। हड्डी दे जोड़ नूं सहारा देने वाले पट्ठियां दे इस तरह जख्मी होने नूं मोच कहिंदे ने, जिहदी वजह तों या ते इह खिंच जांदे ने या फट जांदे ने। हरकत करन या छूण नाल दर्द होंदा है ते बाद औकात मुतासरा जगह सुजण ते इस जगह दी जिल्द काली या नीली हो जांदी है। ऐसी सूरत विच पैर दे पट्ठे नूं आराम देने लई पैर किसी उच्ची जगह ते रखो। सोजन या दर्द घट करन लई आइस बैग या प्लास्टिक बैग विच बर्फ पा के कपड़े विच लपेट के ठंडी टकोर करो। इहदे बाद मुतासरा जगह ते पट्टी या क्रेप बैंडेज बन लो तां जे मुतासरा इसे ते दबा पवे। टेस्ट करो कि पट्टी ज़्यादा सख्त नहीं बदी गई। इहदे लई नाखून दबा के वेखो, इहदा रंग फौरन वापस आना चाहिए जिहदा जाहिर होंदा है कि खून का बहाव मुतासर नहीं होया। पट्ठियां दे खिचाओ का भी यही इलाज है। मोच ते पट्ठियां दे खिचाओ की सूरत विच राइस का अमल याद रखो। आर नाल होंदा है रैसट यानी आराम, आई नाल होंदा है आइसिंग यानी बर्फ की टकोर, सी नाल होंदा है कंप्रैशन यानी मुतासरा हिस्से ते दबाव, ते ई नाल होंदा है एलीवेट यानी मुतासरा हिस्सा उच्चा रखना। याद रखो पहले 20 मिनट ठंडी टकोर करो फिर गर्म टकोर करो ते पट्टी बंद दियो। मुकम्मल आराम करो। अगर सोजन या दर्द ज़्यादा होवे ते डॉक्टर नाल रुजू करो। अख विच मिट्टी या किसी होर चीज़ का जरा चला जाए तो शदीद तकलीफ से उलझन महसूस होती है। इस सूरत विच अख का उपरला परदा पलकों तो पकड़ के नरमी नाल नीचे खिंचण नाल गर्द वगैरह निकल जाती है। या साफ ते ताज़ा पानी नाल अख नूं धोवो। अगर फिर भी आराम ना होवे ते खुश्क ते साफ गाज अख उत्ते रखो ते उपर पट्टी कर दियो। इहदे बाद डॉक्टर नूं विखाओ। उम्र के नाल
बच्चों नूं घर विच महफूज बनाने लई कुछ हिफाजती इकदामात उठाने चाहिए ने। सीढ़ियों की रेलिंग दे फ्रेम दी बार्स विच 4 इंच तो ज़्यादा फासला नहीं होना चाहिए ता जे बच्चे आसानी नाल इन्हां दे सहारे उतर या चढ़ सकन। दवाइयां नूं अलमारी विच बंद रखो। सफाई दे कैमिकल्स ते जरासीम कुछ दवाइयां भी महफूज जगह ते रखो। चूल्हे ते रखी देगची या फ्राइंग पैन दा हैंडल अंदर वल रखो, किधरे कोई बच्चे इहनूं फड़ के अपने उत्ते ना गिरा ले। घर विच गर्म पानी नूं मुनासिब सतह ते रखण लई गीजर वैरी हाट ते रखण तों गुरेज करो, बल्कि वार्म उत्ते रखो तां जे पानी दा दर्जा हरारत 55 डिग्री सेंटीग्रेड तों घट रहे ते ज़्यादा नुकसानदेह ना होवे। तुहाडे गीजर दा थर्मोस्टेट ठीक होना चाहिए। इस प्रोग्राम में दसे गए हिफाजती इकदामात इख्तियार करके तुसी अपने घर नूं रहण लई होर भी ज़्यादा महफूज बना सकते हो। सानू उम्मीद है कि एमरजेंसी ते फर्स्ट एड दे दसे गए तरीके ते अमल करके तुसी किसी भी हादसे नाल बेहतर तरीके नाल निमट सकोगे। इस प्रोग्राम विच तुहानू जो भी विखाया गया है वह इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बुनियादी असूल ने। अगर तुसी इस सिलसिले मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हो तो अंजुमन हिलाले अहमद पाकिस्तान के करीबी दफ्तर नाल राबता करो। तुसी एक रजाकार यानी वॉलंटियर की हैसियत फर्स्ट एड की मुकम्मल तरबियत हासिल कर सकते हो ता जे ना सिर्फ अपने घर में होने वाले किसी हादसे की सूरत विच बल्कि किसी होर जगह पर भी हालत अमन विच जंग विच दूसरों की जान बचा सको, क्यों जे इब्तदाई तिब्बी इमदाद जान बचाती है। आखिर असं तुहानू दसांगे कि फर्स्ट एड किट विच की कुछ होना चाहिए।